बहनों बेटियों, आप सब जानती हैं कि आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, किसी के एक हाथ एक पैर को बांध कर रखा जाए तो उससे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी के बिना देश तेज विकास नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। परिवार में पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरत हो, आर्थिक भागीदारी की बात हो या इलाज की चिंता हो, इनसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने एक एक करके ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे परिवार में रहने वाली हर महिला का जीवन आसान हो। सामाजिक स्तर पर बहनों बेटियों को बराबरी दिलाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कन्या केलवनी अभियान गुजरात में हर जून महीने में चलाते थे। स्टेट लेवल पर राजनीति में और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था के बारे में हम सबको पता है। आप में से ज्यादातर बहनें ये भी जानती है कि मैंने हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समरथ पंचायत ये प्रयोग शुरू किया था। हमने तय किया था कि जिन पंचायतों में प्रधान के लिए महिला के लिए आरक्षण होगा, अगर उस पंचायत में सभी महिलाएं जीत करके आएगी तो उस समरस गांव में हम अतिरिक्त बजट देंगे, अतिरिक्त पैसे देंगे ताकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पंचायतों में सभी सदस्य महिला चुनने लग गई और महिलाओं ने विकास के इस काम को पाई पाई का सही उपयोग करके अमल में लाया। हमने ये भी तय किया कि संप्रत पंचायतों में हम महिला अधिकारियों को ही नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। माताओं बहनों, महिलाओं की भागीदारी के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये निर्णय केवल सरकारी नियम कानूनों तक ही सीमित रहे हो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भी कई निर्णय लिए और नई राजनीतिक परंपराओं को शुरू किया। स्थानीय निकायों में जो चार प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम एक महिलाओं को लिए रिजर्व हो और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एससी, एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। ये पद हमारे दलित समाज, हमारे आदिवासी समाज, उनके लिए हमने करने का प्रयास किया। गुजरात में ये जो सफल प्रयोग हमने किए, इससे हमें महिलाओं के लिए काम करने का एक अनुभव भी मिला, आत्मविश्वास भी मिला। आज देश में घर से लेकर संसद तक हर क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े जो बड़े फैसले हो रहे हैं, उनमें गुजरात के इन अनुभवों की बड़ी भूमिका है।